In the last class, we had discussed the conceptual or the methods of valuation of goodwill. Okay, in today's video, we will solve questions related with super profit method. Okay, today we are going to solve this question, question number 29. Okay, question is reflecting on your screen right now. Varun and Karuna are partners for equal shares. Okay, Varun and Karuna, they are partner for equal share. They admit Lata into partnership for 1/4 share. They want to admit a new partner called Lata, okay, in a 1/4 share. It was agreed to the value goodwill of the firm at 4 years purchase of super profit. ठीक है, तो इसको क्या हुआ, 4 years purchase के basis पे इसको क्या super profit निकालना है हमें. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 15% एंड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन. ओके, ये हमारा बहुत बड़ा एक इशू था जो सॉल्व हो चुका है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख. ओके, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2019 वाज एज फॉलोस. बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो एक्चुअली मैंने आपको कंसेप्ट तो दे दिया है, बट द थिंग इज दिस कि आपको आज क्वेश्चंस टैकल कैसे करना होता है ये मैं आज आपको दिखाऊंगी. ओके, सब आपको मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि स्टेप में आपको सॉल्व करना है. ओके, तो स्टेप वन में क्या आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके. अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके फॉर्मूला लिखेंगे. इसका फॉर्मूला क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक तो असिट्स अप्रोच, ठीक है, और एक दूसरा वाला जो था. ओके, तो आप देख रहे हैं कि हम जो असिट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उससे भी निकाल सकते हैं. तो ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू असिट्स अप्रोच. आप दोनों अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, दोनों अप्रोच में आपका आंसर वही आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल असिट्स. एंड लुक चिल्ड्रन, आप जब स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो आप बार बार वही फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, क्योंकि आपको फॉर्मूला को बैठ करके रट नहीं सकते हो, आप उसको लिखते लिखते आपको आदत हो जाएगी. ओके, यू विल बिकम हैबिचुअल. ओके, देन द थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू. टोटल असिट्स कीप साइलेंस माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखते हुए इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ओके, आउटसाइड लाइबिलिटी है ₹1,50,000 माइनस 50,000. ओके, टोटल असिट्स आउटसाइड लाइबिलिटी 1,50,000, एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, सॉरी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है माइनस 2 लाख. अब फिक्टिशियस एसेट्स आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर दिया हुआ है आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. ओके, पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 15 लाख.
स्टेप टू में हमको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो था, कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए आपको यहाँ पे निकालना था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट द थिंग इज दिस, कोई भी आपको टाइमिंग नहीं दिया हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग का, ओके, तो आपको सिर्फ नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100, ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 225,000. स्टेप नंबर 3 करोगे तो आ जाता है एवरेज प्रॉफिट निकालना है इस स्टेज में, एवरेज प्रॉफिट. आपको क्वेश्चन में 4 लाख दिया हुआ है, दैट इज गिवन, ओके. स्टेप 5, आपको स्टेप इसलिए बताया जा रहा था कि आपको याद हो जाए, ओके, कि कौन से स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है. स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है 4 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट ये देखिए, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, तो आपको आता है इधर 1,75,000, ओके. स्टेप 5 में है आपका गुडविल निकालना है आपको. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. 1,75,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, दैट इज 4, आंसर विल बी 7 लाख. दिस इज आवर आंसर ऑफ गुडविल, ओके. ये तो बड़ा सिंपल था जिसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का नहीं था, इसीलिए क्या था, आप बच गए, ओके. हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 36, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36. आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे एडमिट जसपाल इनटू अ पार्टनरशिप फ्रॉम 1st April 2019. दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. आपको 5 साल की प्रॉफिट दी गई है, और जिस ईयर में कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो भी दी गई है, ओके, दैट इज एडजस्टमेंट दी गई है इन सिंपल वर्ड्स. और आपको दिया गया है फर्म हैज टोटल असेट्स 20 लाख एंड टोटल लाइबिलिटीज 5 लाख ऑन द डेट. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%. आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके. क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले स्टेप 1, ओके. तो ये देखिए सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. इस क्वेश्चन में बस कैपिटल एम्प्लॉयड का इतना ही फॉर्मूला होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, बाकी के 3 आइटम्स नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में. टोटल एसेट्स कितना है हमारा, 20 लाख. आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, 5 लाख. तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 15 लाख, ओके. अब स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड सीई आई एम राइटिंग इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 15 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा, क्वेश्चन में गिवन होगा 10% है, 10 बाय 100.
ओके, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? ये आ गया 1,50,000। ओके, स्टेप थ्री में हमारा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें आई थिंक 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट भी ओरली करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,50,000 है। ओके, सेकेंड ईयर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,80,000 है। ओके, थर्ड ईयर में 1 लाख है एंड एबनॉर्मल लॉस कितना है, 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, फिर फोर्थ ईयर में 2,60,000 है, इसमें एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है। एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस करते हैं। 2,60,000 में हम कितना माइनस करेंगे, 40 करेंगे, तो 2,20,000 हो गया। एंड लास्ट ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे, 2,40,000। ओके, सब सारा ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, वेट, ऐड करके डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 1,98,000। ओके, स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपका निकल गया है 1,98,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। तो हो जाता है हमारा 48,000। 48,000 क्या निकला, सुपर प्रॉफिट। स्टेप 5 में क्या करना है, हमें गुडविल निकालना है, स्टेप 5। ओके, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। ओके, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड सुपर प्रॉफिट इनटू NYP इज 3 ईयर्स परचेज। हियर कम्स आवर गुडविल, 1,44,000। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, सो कीप डूइंग अकाउंट्स एंड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। टिल देन कीप लर्निंग। टुडे आई एम एंडिंग द वीडियो हियर ओनली।